युद्धभूमि इज्राएल आसी दिल्ली में पहुंची पंचम विमान विलंबित रातिर यह विमान पहुंची एथिरे 286 जन भारतीय थिबा बले 18 जन नेपाल नागरिक रही केन्द्रमंत्री एल मुर्गन समस्त को स्वागत करते स्वदेश फेरवा पर समस्त निजर खुशी जाहिर करते एवं सुधा 900 अधिक प्रवासी भारतीय स्वदेश फेरी सूचना रही। इज्राएल और हमास मधे युद्ध आक्रमणात्मक होगा पर केंद्र सरकार ऑपरेशन अजय जरिया प्रवासी भारतीयों को फेर आने को प्रयास कर संपूर्ण भाव में मागणा सेवा जो मैंने आसवाक चाहते आवश्यक फर्म पूरण कर इज्राएल दूतावास देवापर से विमान में आसवाप अनुमति मिली प्रवासी भारतीय फेर पर केन्द्र सरकार प्रशंसा कर जो भी हमारे को फैसिलिटी मिली बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली वहाँ पे जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी उन लोगों ने हमें बहुत हेल्प की। हमारा फ्लाइट ख़राब हो गई थी, ख़राब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे को होटल की फैसिलिटी दी, होटल में रखा, लंच दिया, डिनर किया, दूसरे दिन वापस पिकअप करके हमारे को लाए, बहुत अच्छा किया। मोदी है तो सब मुमकिन है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हमें एम्बेसीज ने हमारे लिए बस भी भेजी यूनिवर्सिटी तक, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। सिचुएशन तो ऐसा नहीं बोल सकते, हर जगह कुछ डरावना का माहौल है, मगर ऐसा नहीं है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो इसराइल के बीचों बीच में केसरिया नाम करके, वहाँ पर बिल्कुल शांत है। और ये जो जितना भी लड़ाई वगैरह हो रहा है, वार हो रहा है, वो बॉर्डर एरिया में गाजा में और लेबनान के तरफ से भी अभी थोड़ा बहुत बमबारी हो चल रहा है, मगर ऐसा भयभीत माहौल भी नहीं है, ठीक ठाक है वहाँ पे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।